दोस्त यार, आज है संडे का दिन, तो आज हम बात करते हैं बहुत ही कमाल और स्पेशल टॉपिक के ऊपर। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, ओप्पो का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है ओप्पो रेनो, बहुत दिनों से काफ़ी चर्चे में है, राइट। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी ओप्पो रेनो को लेकर, कैसा होने वाला है ये फ़ोन, क्या हो सकती है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या हो सकता है इसमें खास फीचर्स, क्या हो सकती है इसकी प्राइस। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक आपके अपनी चैनल बिंग ऐसे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता देता हूँ, ये जो ओप्पो का जो रेनो वाला स्मार्टफोन्स होगी, ये एक सीरीज होगी जहाँ पे आपको ओप्पो रेनो, रेनो प्रो, रेनो लाइट जैसे स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, ओप्पो रेनो जो होगी वो एक मोस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन होगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यूनिक चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यार, शुरुआत करते हैं फ़ोन की लुक्स और डिज़ाइन से। फ्रेंड्स यार, ओप्पो रेनो का जो लुक्स और डिज़ाइन होगी वो काफ़ी कमाल और अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लास बैक फिनिश देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको मेटल फ्रेम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, फोन लॉन्च कर दिया जाएगा 5 कलर वेरिएंट में, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी रोज गोल्ड, ग्रीन, पिंक, कुछ इस तरह के कलर वेरिएंट्स के साथ इसको जो लॉन्च कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यार, इस फोन के अंदर आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, सारी बातें जोड़ लीजिए एक साथ और दबा दीजिए इस लाइक बटन को। तो दोस्तों यार, बात करते हैं फोन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो फ्रेंड्स यार, रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि ओप्पो रेनो के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो आता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक नॉचलेस डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का नॉच या फिर पांचोल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो आएगा इंक्लाइन पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ। तो फ्रेंड्स यार, फोन देखने में और फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी कमाल होने वाली है, राइट। तो बात करते हैं फोन की स्टोरेज को लेकर, तो फ्रेंड्स यार, रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि इस फोन के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकती है, जो आएगा 8GB और 6GB रैम के साथ, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 128GB और 256GB वाला वेरिएंट 6GB के साथ, और 512GB वाला एक हायर वेरिएंट भी देखने को मिल सकती है, जो आएगा 8GB रैम वेरिएंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स यार, बात करते हैं फोन की ओएस को लेकर, तो दोस्तों यार, इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कलर ओएस 6 का लेयरिंग, जो आएगा एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स के साथ। तो बात करते हैं फोन की प्रोसेसर को लेकर, तो फ्रेंड्स यार, इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर सीपीयू है। और फ्रेंड्स यार, ये जो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है तो स्पोर्ट किया गया है एंटीटू के अंदर। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, एंटीटू का जो बेंचमार्क आया था ओप्पो रेनो की, वो 1,66,000 के आसपास में था। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, इस बात को कन्फर्म मान के चलिए कि ओप्पो रेनो के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 वाला चिपसेट वाला भी एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स यार, दूसरी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इसके अंदर आपको एक हायर वेरिएंट भी देखने को मिल सकती है, जो आए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको X50 मॉडेम देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने 5G को भी आराम से इनेबल कर सकते हो। तो बात करते हैं फोन की बैटरी को लेकर, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी, जो आएगा 50W की सुपर वूक चार्जिंग के साथ, जो ओप्पो R17 Pro के अंदर आपको शायद देखने को मिला था। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, फोन काफ़ी कमाल होने वाली है, राइट। और फ्रेंड्स यार, इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 32 MP की मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो मतलब कि मोटराइज सेल्फी कैमरा, इसके अंदर आपको फ्लैश भी देखने को मिल सकती है, जो फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यार, आप बात करते हैं फोन की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को लेकर, तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले तो आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगी, और आई होप कि इसके अंदर आपको IP68 का भी रेटिंग देखने को मिले, और साथ में आपको ओप्पो की तरफ से 50W की सुपर वूक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स यार, इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, आप दिल थाम के बैठिए 10 अप्रैल तक, क्योंकि ये फोन लॉन्च होने जा रही है 10 अप्रैल में, और 10 अप्रैल के अंदर हम बता पाएंगे कि इसके अंदर आपको एग्जैक्ट क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में सर, बहुत सारी वीडियोस और फोटोज वगैरह लीक होकर सामने आया है ओप्पो रेनो की, तो ये एक कंफर्म सा मान के चलिए कि इस फोन के अंदर आपको यही चीजें देखने को मिल सकती है। तो बात करते हैं फोन की प्राइसिंग को लेकर, तो दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है वो काफी कमाल और एग्रेसिव होने वाली है, क्योंकि इस फोन का जो स्टेरिंग प्राइस है, रिपोर्ट हमें यह बताता है कि इसका जो स्टेरिंग प्राइस है वो लगभग 30,000 के आसपास हो सकती है। देखते हैं 10 अप्रैल को क्या कहते हैं ओप्पो अपने रेनो के साथ। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार, आप मुझे बताइए कि आप
क्या इंटरेस्टेड हो ओप्पो रेनो के लिए? जो भी है आपके मन में दिल की बात प्लीज बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यार बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज यार नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बीइंग एचके को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता ही रहता हूँ। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।